जय जय मां श्री जगदम्बे, तू जग की पालनहार, अपने भक्तन की सदा माना भूल गई हो। तू ही काली तू काल का, तू ही कालन की काल, बैरिन को भक्षण करे मां मेरी भक्तन के प्रतिपा। अरे मैया तेरे ही बलते, तेरे मैया मैंने तेरे ही दाल। सिंह चढ़ी पर्वत में उगाजे, चढ़ गई कारी डांग, जिता लाई नल से राजे। अरे तेरे घंटन की घन घोर, चांदी के तकत परे मंदिर में, अरे चंदन को रमाए बैठी मैया। और अरे मैया तेरे ऊंचे से भवन पे बोलता कांगार ए मैया तेरे ऊंचे से भवन पे, अरे ऊंचे से भवन पे बोलता ही कांगार ना मैया मो। बनते न राजा नल के पारे, दाने विकट बनी न मैं मारे। अरे मैया तू एक दिन गई है पाताल, और अहिरावण की भुजा उखारी महारानी तेने। सबके चरणन में शीस नवा में रूप चंद को शीस काट के भेद चढ़े वो आई ढोलाए सभा में काम। भैया सुन लो हमारी बात, छतरी की गाथा लिखू मेरे वीरन भैया। भवन में जागो माग
आदर और सम्मान के योग अंबे बीसीडी पर हमारे ये ढोला फिल्म देखने वाली सरदारी मेरी उम्र से बड़ी उम्र वाले मेरे पिता के तुल्य बुजुर्ग एवं धर्म स्वरूपी माताएं बहने, आज मैं आपका छोटा भाई हरिराम गुजर अम्बे बीसीडी के माध्यम से आपको ये ढोला सुनाने जा रहा हूं। रूपचंद की भेंट के मनसुख गुजर ने अपनी यारी के खातिर कैसे अपने 6 महीना के बेटे के शीश को काट करके देवी की भेंट चढ़ाया, और वो भी बंगाल देश में काली मैया के भवन में। बस ऐसी ढोला को हम पेश करें, लेकिन आपके ध्यान को वहां केंद्रित कीजिए। कहा जब 3,13,000 की बारात को लिए जा रहा है राजा नल, और पगड़ी पलटा यार मनसुख गुजर, और साथ में राजगुरु लाखा दादा पंडित जी, अच्छा जी हाथी है घोड़ा है 10 पहिया के रथ में दोनों लड़का बैठे हुए हैं, ढोल कुमार और किशनलाल, और बारात पहुंच जाती है बंगाले, और बंगाले देश के मेढे पे सीमा पे जाकर के छावनी लगा दी, अच्छा तंबू तान दिए, सारी फौज बारात रोक दई, और क्या कर रहे हैं, शाम हो गई, सारी बारात अपने अपने तंबुओं में विश्राम कर रही है, और राजा नल मनसुख गुजर से क्या कह रहा है, क्या कहने लगा, सारे तंबुओं के बीच में एक बड़ा तंबू ताना गया, क्यों, जिसमें चंदन के पलंग पर दोनों राजकुमार सुलाए गए, अच्छा ढोल कुमार और किशनलाल, ठीक, रात होती आई अंधियारा हो गया, दिन छिप गया, सूर्य अस्त हो गया, जब क्या हुआ, राजा नल अपने मनसुख पगड़ी पलटा यार को बुलाया और क्या बोला, बस यहीं से इस ढोला फिल्म को देखिए। हमारे साथ में स्वर दे रहे भाई रामकरण राजगढ़ वाले, और रिदम ढोलक पर अपने हाथ दिखा रहे हैं भाई बहादुर सिंह बेलारा वाले, और चिमटा खनका रहे भाई हरपाल जी झांसी वाले, और साथ में खंगरी और हम रामकरण का सहयोग दे रहे हैं भाई मान सिंह जी हमारे शिष्य, और देखिए वह राजा नल मनसुख से क्या बोला है, ध्यान को केंद्रित कीजिए, क्या बात भाई, अरे पगड़ी पलटा यार हमारे, आहा अरे मनसुख क्या बात है भैया, तू जानता है ये कौन सा देश है, कौन सा देश है भाई, मुझे पता नहीं भैया, मैं बताता हूँ कौन सा देश है, अरे पगड़ी पलटा यार हमारे ही देश बंगालो आयो, और बंगालो हमने कभी न देखो,
यो नल ने वचन सुनायो। नल ने बचन सुनायो बंगालो है तेसरा भैया, नल ने बचन सुनाया। ये बंगालो देश है और बंगाले देश में क्या है? बंगाले देश में क्या होता है ये नहीं जानता, तुझे पता नहीं क्या होता है? अरे जादूगर को, ये जादूगरन को ये सब रन ने कर सुनियो बात हमारी, और बंगाले में सब रे बसते जादूगर नर नारी। हमने तरवार चलाई है, दाने मारे, लड़ाई लड़ी है, घोड़ा भगाए, हाथी उड़ाए हैं। ठीक बात है, तो लड़ाई लड़ने की तो मैंने जान नहीं, तो लड़ाई लड़ने का समय नहीं है। हम कह रहे हैं वो बात सुनो। कौन सी बात है बताओ भाई? अरे जिस तंबू में लड़का सो रहे उसका पहरा लगाओ। बिल्कुल लगाऊंगा भाई साहब। एक बात याद रखना। कौन सी? रात भर तुझे पहरा लगाना, सो मत जाइयो। बिल्कुल नहीं सोऊंगा। क्या कही बात सद जाए मोखो, और को देश संग में कहूं है जाए भैया धोखा, कहीं धोखा ना हो जाए। नहीं बिल्कुल, पूरी रात पहरा दूंगा। जाओ जाओ तंबू पे चले जाओ, हम अपने तंबू में विश्राम कर रहे हैं। ठीक बात है। सब हाथी घोड़ा सब सबका सही स्थिति से दाना पानी न्यार सब लगा दिया, और सारी बारात आराम कर रही है खूब चूरमा खा खा। जाओ, और लड़के दोनों सो रहे तंबू में, बड़े तंबू में। हाँ तो जाओ तुम पहरा लगाओ। अच्छी बात। उधर Thank you.
देश की दो जादूगरनी। आहा, क्या नाम है उनका? उनका नाम है चंपा और चंदन। अच्छा, वो तेली की लड़की है लेकिन बांग्लादेश की सबसे बड़ी जादूगरनी है। कहां से आ रही है फिर वो? अरे दूर देश से सैल करके आ रही है। कहीं से? रात में, रात का मौसम है। अच्छा, बड़ी लड़की का नाम है चंपा और छोटी चंदन। बड़ी लड़की 20 साल की है और छोटी कितनी उम्र की है? 14 साल। अच्छा, बच्चा है। दोनों जादूगरनी अपनी घोड़ा बुग्गी में बैठ के आ रही है और जब जहां वहां जगह पे आई है जहां बारात पड़ी हुई थी, उजाला हो रहा, पीन सोत जुड़ रही है। अच्छा, लाइट चमचमा रही है। छोटी जादूगरनी बड़ी से पूछ रही है। कैसे पूछने लगी? अरे बहना, अरे बंगाले की सीमन पे। क्या बोली? अरे बंगाले की सीमन पे। आहा, हेरा काये को उजारोरी बंगाले की सीमन है। बड़ी बहन न्यो समझाए रही है, बड़ी बहन न्यो समझाए रही है, बड़ी बहन न्यो समझाए रही है। और वो तो ऐसी लगे है कहा अम्बे कैसी जैसे आए रही है, अम्बे कैसी जैसे आए रही है, अम्बे कैसी जैसे आए रही है। और अम्बे भी सीढ़ी में करो आ हो, कहा ऐसा लगता है जैसे कहीं राजा की बारात कहूं जा रही है और बारात डट गई हो, कहीं राजा किसी बारात लगे, क्योंकि राजान की बारात में हाथी घोड़े ये रथ मंझोली तंबू डेरा राजान की में मिल सकते, राजान की बारात में मिल सकते हैं। तो छोटी लड़की न्यो कह रही है बेना। क्या कहने लगी?
कबू देखी ना मैंने राजन की बरात, और बहन मेरी चल के दिखा लाए अपने हमारे साथ में चल करके ने दिखाई ला राजन की बरात कैसी होए। क्या कहने लगी है? आगे बढ़ी बरात से कुछ दूरी पे अपनी घोड़ा बुग्गी खड़ी कर दी, और उसमें से उतर करके दोनों लड़की कहां जा रही है? रात का वक्त है, उस बरात के अंदर चली गई, तंबुओं के अंदर चली गई। ठीक, ये तंबू देखा, वो तंबू देखा, ये देखा, वो देखा, सारे तंबुओं को देख रही है। जब क्या बतराई आपस में? सारी बरात सो रही है और आगे गई, उस जगह पर पहुंची। कहा गयो और लेके तरवार हाथ में ठाड़ो एक पहरे पारो। एक आदमी एक जवान पहरा लगा रहा है, वो मनसुख गुजर जो पहरो लगा रहे हो। अच्छा, बड़ी लड़की से छोटी लड़की ने कही बहन सारे तंबू तो सुने पड़े हैं परी, लेकिन इस तंबू का ये जवान पहरा क्यों लगा रहा है? बड़ी लड़की बोली यही में होगा कसन को माल ताल सब सामान सब तो या तो पहरो लग रहा है, तो भीतर चल के देखो क्या है इसमें। ई दिख रहा तो ई पहरे वालो ई जान दे भीतर, इसको तो मैं जादू मार कर सुला दूंगी। कैसे सुला देगी बहन? मोहनते मोहे सकल मंत्रनते मुख मुंदे। क्या बात! जैसे भगवान राम का हरण करने के लिए जब नारायण तक रावण का बड़ा बेटा गया है अहिरावण जैसे रामादल में, और तो वहां विभीषण पे हनुमान जी पहरा लगा रहे थे। अच्छा, और विभीषण का भेद धारण करके रामादल में चला गया। मोहनते मोहे सकल मंत्रनते मुखमूंद, अपनी मोहिनी मंत्र से सबको सुला दिया। ऐसे वह छोरी जादूगरनी ने सुला दिया सब, सब ना वह एक ही आदमी है, और पहले तो सोरे सभी हो सके चली या खपर वाली तेरा बचन जाए ना खाली। और भैया मेरे जादू रे मार के सुबह दियो उनने पहरे गई छूट हाथ ते गयो
जिन्हें इतनी सोच लई है तंबू में आए गई है उसके भीतर। जब ठाड़ी देख रही है आहा। देखत रूप पुलक गयो खलका बिछरो वहां चंदन को पलका। क्या बात नैनन परे रेशमी डोरा पलका पे दो सोए रहे छोरा राजा नल के छोरा सोए रहे वो राजान के रोहित दोनों लड़का पलंग पे सो रहे। बड़ो छोरा तो बिल्कुल ऐसो के सोयो जैसो हमारो रोहित। आहा। आगे को कदम बढ़ायो कछु दिल में उठो उमहायो देख के हाँ हर चीज उम्मीद से हो सब। घूट दो घूट में बोतल का बिगड़ता क्या है। आहा। पलंग के पास आ गई और क्या काम कर रही है। अब एक बात बताओ भैया कौन सी सुनवे वाले सज्जनों कई लोग जो शिकायत करेंगे हरिराम कछु मजाक की बात ज्यादा करे है। अब रात का मौसम है सब दुनिया सोए रही है तंबू में दो छोरा है और दो छोरी हैं। अब भाई अंदाज लगाओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्या मैं कहा खड़ा हूँ भाई का भैया। अरे पल में कैद हो रहे हैं पहुंच गई है बैठ गई है पार्टी पे। 20 बरस की जादूगरनी ने हाथ धरो छाती में और किशन लाल बेटा की छाती पे हाथ धरो क्या। अरे भगवान न समझ इस बर्फ की सिल्ली पाएगे तसल्ली आएगी। और जो दुपट्टा ओढ़ के सो रहे वो लड़का लड़की ने दुपट्टा को पल्ला पकड़ो आहा ऐसे खींचो दुपट्टा आगो माथे पे और खींचो मुंह पे गयो और खींचो नार पे पहुंच गो एक बार और छाती पे गयो एक बार और टुंडी पे पहुंच गो। अच्छा यह चीजें भी जाने थी क्यों बुढ़ापे का इख्वार करे फिर तो दुपट्टा ही कह रहा हूं मैं कहा करूं मैं। हमें देखिए एक लड़की पार्टी पे बैठ गई एक ने दुपट्टा खींच के दूर फेंक दो दूसरी पार्टी पे बैठ गई एक लड़की या पार्टी पे एक लड़की या पार्टी पे बीच में दोनों छोरा सो रहे। अच्छा बड़ी जादूगरनी की उम्र 20 बरस है किशनलाल की उम्र 20 बरस है छोटी छोरी की उम्र 14 साल और ढोल कुमार की उम्र 8 साल। यही थोड़ा सा मामला बड़बड़ कोई बात ना छत्री के तो छोटे छोटे बालक मर्डर कर दे। हाँ वैसे तो 10-12 साल पे ही लग पड़े 10-12 साल को बहुत है 12 साल को नल ना हो दानू मार दियो। ये बात सही है भाई। अब लड़का सो रहे है और अब यहाँ हम आपको हमारी वाणी और आपके आशीर्वाद से एक बहुत अच्छी बात बताने जाएंगे। कौन सी बात। अगर हमारी बीसीडी कोई नई बहू बहुटिया नई बहन छोर छारी देख रही हो तो गौर से देखें बात को ध्यान से सुने। कौन सी बात है वो ऐसी है? कौन सी बात है। जब ते छतरी ढीले पड़ गए जब से वंश बदल गए जब ते छतरी ढीले पड़ गए।
थे मेरे यारो। वो कौन बन करके चले थे मर्दाने, आजकल के छत्री ने सब धर लिए भेष जनाने। आहा को पहर के जब छत्री चला करे थे, जिनके चेहरे को देख देख के कायर डरा करे थे। हो रेल छत्रिन की तलवारों से दुश्मन के कलेजे हलगे, जब से छतरी ढीले पड़ गए रे, जब से बन समझ गए। एक एक बात है लोगों, जो हम कहने के लिए जा रहे हैं, वो जादूगरनी पलंग की पार्टी पर बैठ करके दोनों लड़कों के रूप को देख रही है। अच्छा, और विचार कर रही है। क्या विचार करने लगी? आइए बेटे एक झूले में जाओ। अरे बेला। हाँ। हेरी बहना वो तो कौन से मुला, वो कौन से मुलक है? कैसे? हे अरे तो मेरी बहन, जिनमें ऐसे बच्चा पैदा हो कैसे है मैया बाप जन कौन बखत रुत लेता है, कैसे मैया बाप है इनके, कौन सी समय पे इनको वो यू फरक रहे कान में। हाँ कैसे? बस यही हमारी बीसीडी में खास बात देखने के लायक है। ई कहा बात कौन कैसे? और ये ग्रहण करने के लायक है। कैसे है? कोई बड़ी बूढ़ी मैया देख रही हो तो वो तो भले ही देखो, याद रखो मत रखो, वो तो रिटायर बेचारी तो का देखेंगे। लेकिन ये कैप्सूल दे रहा हूँ आपके लिए, जिनके बालक हो रहे हो। अच्छा, अच्छे बच्चे पैदा करने का। कैसे कैसे भाई? अगर किसी को चोर बालक पैदा करना हो, या भगत बालक पैदा करना हो, या वीर पुरुष बालक बच्चा पैदा करना। अच्छा। या कारो बालक पैदा करना हो, या भोरो गोरो बच्चा पैदा करना हो,
या छोरी पैदा करनो या छोरा पैदा करनो, ये सब माँ बाप के हाथ की बात है। क्यों उल्टा क्यों चले खामा खा, या माँ बाप क्या करेंगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे जब बता। देखिए माँ बाप का जो संस्कार होता है हाँ, वो बच्चे में प्रवेश हो जाता है। कैसे? सुनिए, जब जब माँ गर्भवती होती है हाँ, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है और गर्भवती महिला सूर्य उगने से पहले चारपाई से खड़ी हो जाए। अच्छा, और अपनी चारपाई से खड़ी होकर के जब पृथ्वी माता पर कदम रखे तो धरती माँ को सिर झुकाए। अच्छा, अपने परमपिता परमात्मा का नाम ले। आहा, फिर उसके बाद? उसके बाद घर में अपनी बुढ़िया सासू है, सासू के चरण छुए। अच्छा, सुसरे को प्रणाम करे, जेठ देवर अगर जेठ जिठानी है तो उनको प्रणाम करे। ठीक बात। शाम को घर में घी का चिराग जलाए, घी का दीपक जलाए। अच्छा, मालिक की इबादत करे। ठीक। ओम जय जगदीश की आरती करे। और शाम को घर का काम निमित्त होने पर अपनी सास 10 मिनट अपनी सास के पैर दबाए। आहा, गांव बस्ती में बड़ी बूढ़ी के पामन दाबे, बड़े बूढ़े इनको ढोक दे, जा घूंघट मार करके चले। अच्छा, आए की शर्म करे, अतिथि की सेवा करे, गौ ब्राह्मण की सेवा करे, घर पे आने वाले को भोजन कराए, पानी पिलाए, सम्मान करे। आहा, और गर्भवती औरत है, इतना काम करती है तो उसके गर्भ में जो बच्चा है अच्छा, वो होने वाला बालक भक्त प्रवृत्ति का पैदा है। क्यों? के माँ का जो संस्कार है उस बच्चे में प्रवेश हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि 6 महीना 7 दिन का बच्चा जब गर्भ में हो जाता है तो वो सुनने लग जाता है, खाने लग जाता है। ई तो नाजिच रही हमार, गर्भ में बच्चा नहीं सुन सकता। गर्भ में कैसे सुन ले? हाँ, अरे बेवकूफ, गर्भ में अगर बच्चा सुनता नहीं आ, तो सुखदेव जी ने सुखदेव जी तो 12 वर्ष रहे अपनी माँ के गर्भ में। अच्छा, और अभिमन्यु ने माँ के पेट में चक्रव्यूह तोड़ना कैसे सीख लिया? अगर बच्चा माँ के पेट में नहीं सुन सकता तो चक्रव्यूह तोड़ना अभिमन्यु ने कैसे सीख लिया माँ के पेट में? अच्छा, वहीं सीख रहा भीतर ही। और क्या? ठीक बात। तो बच्चा सुनने लग जाता है, याद रखो। ये तो शिक्षा सीखनी और है कहा। तो इसलिए गर्भवती महिला को बहुत अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे कर्म पर, अच्छे मार्ग पर हर इंसान को चलना चाहिए। और कारो भूरो नहीं, चोर बदमाश बालक। हाँ, ये तो चोर बदमाश अब बालक बनानो तो पति को दारू पीना सिखा दो, दारू पी के आएगा, तेरा भी मुंड फोड़ेगा, हमारा फोड़ेगा, पड़ोसी को लड़ेगा, गांव में लड़ाई दंगा करेगा, घर में बिगड़े होगा, लड़ाई दंगा होगा, होने वाला बच्चा चोर होगा, लड़ने वाला होगा। चलो ये बात तो आपकी मान ली हमने, पर एक बात बताओ, कारण में भूरे में माँ बाप काला बच्चा पैदा करना, भूरा बालक पैदा करना, ये भी माँ के हाथ की बात है? ये कैसे भाई बताओ? देखो, भोजन 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। तो राशि भोजन तो राजाओं के होते, हमारे विश्वेंद्र महाराज के देखो सोने के भस्म खाते हैं भी। अच्छा, और तामसिक भोजन दैत्यों को होता है, राक्षसों को होता है। तामसिक भोजन में आते हैं अंडा, मीट, शराब, मदिरा, चुर्री, गुटखा, अटगड़म, सगड़म, ये जो अवैध वस्तु जो मनुष्य के खाने की नहीं। और सात्विक, और किसी भी दीन धर्म में, चाहे बाइबल को उठा के देखो, कुरान को उठा के देखो, गीता को उठा के देखो, रामायण को उठा के देखो, गुरु ग्रंथ को उठा करके देखो, किसी भी मजहब में, किसी भी ग्रंथ में, किसी पुस्तक में नहीं लिखा है कि एक दूसरे का कोई मांस खाए। अच्छा, नहीं लिखा है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए लोग सब कुछ करते हैं। कह दिया कि छुरी से मछली हलाल हो गई, आधे से बकरा हलाल हो गया, मेंढा हलाल हो गया। हाँ, तो जब ही चल रहा है इनको छोरा। नहीं नहीं नहीं, गलत है। और नबी ने तो 100 ऊंट भेंट किए, 100 ऊंटों की कुर्बानी दी खुदा के लिए। अच्छा, क्यों नहीं खुश हुए? अपने बेटे की कुर्बानी दी तब खुदा खुशी हुआ। लेकिन आज हम लोग भगवान को बेवकूफ बनाते हैं स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए। तो भोजन करना चाहिए माता बहन को गर्भ में, गर्भवती को सात्विक भोजन। अच्छा, दूध खाओ, दही खाओ, छाछ खाओ, लस्सी खाओ, हरी साग सब्जी खाओ, और कई के घी, कई के घर में ज्यादा पैसा तो पिस्ता खाओ, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, और खाओ, और खाओ, और खाओ। जब लेकिन मैया बहन खारी चूल्हे की माटी, राख, कोयला, मुल्तानी, अभी से तो बच्चे ऐसे हो। अच्छा, तो विचार कर रही है उनके कैसे माँ बाप है इनके, जिनके इतने सुंदर बच्चा पैदा हो रहे हैं। तो फिर क्या करे बहन? एक एक जादूगरनी ने बोली, एक काम कर। कौन सा है? कौन सा काम है?
सत सनेहु कहता है मिलई ना कछु संदेहु। और जिसको जिससे प्रेम होता है वो कहीं ना कहीं मिल जाता है। और के वो कर तरके बढ़ावे साखा होगा वही जो राम रच राखा। वो कर तरके बढ़ावे साखा। एक काम कर। कौन सा? अरे ये दो भैया हम दो बहना और चौकी मिल गई जोरी गाँव में जाए के ब्याह करेंगी करके ले चल चोरी। एक काम कर छोरी। कौन सा? जादू डाल दे इनके ऊपर। अच्छा जग नहीं जाए। ठीक है। और इन्हें उठा के ले चल गांव में ले चलेंगी गंधर्व विवाह कर लेंगी। हरण कर लो इनका चोर के ले चल गांव में जाके विवाह कर लेंगे। हम दो बहन ये दो भैया चौकी जोड़ी मिल गई। ले चल बहन है? ले चल। एक काम कर बेटे। क्या? अरे भैया मेरे नाए रही है सोदी में और लेटा उठाए लिए गोदी में। पथ में पथ का अर्थ क्या होता है? रास्ता। रास्ता जानते हो? अरे देखी जाएगी आगे पथ में बेटा सुबह दिए दो रथ में। और ले गई कहां? बरात में से छोरा ने तम्बू में से उठा के ले गई रथ में पटके चली गई। गई चलो जा रहा रथ। फिर आदि दूध जब पहुंचे। आहा ये बात बताऊं कौन सी? सुनने वालों थोड़ा बुरा मत मानना, कई छोरी को ब्याह ना हुए हो और 30-35 साल की हो जाए ना वाको पर प्रेम की दृष्टि से देखो वो लड़की कभी ऊंची गर्दन करके देखती ना मिलेगी। और ये 12-13-14 साल की ये लड़की रहनी ये खतरनाक चीज है। हाँ ये समझ CID समझ लो। छोटी छोरी बड़ी छोरी से न्यू करी बहन। क्या बात है? हम दो बहने ये दो भैया है। तो फिर और देख क्यों 20 साल की रही बड़ा लड़का भी 20 साल को तेरा हाल बड़े लड़के से होगा मेरा छोटे से होगा। हाँ। और मेरा जो लड़का दूल्हे बनेगा वो तो 8-10 साल को जी जी कहा बोलो बतराओ ये बड़े लड़का पे से जादू हटा। और ये तो बोलेंगे बतराएंगे या स्वभाव देखेंगे हम या हिसाब किताब देखेंगे जैसे मतलब बोली चाली मिल जाए कि नहीं मिले। स्वभाव कैसा है? तो किसने लाल पे तो जादू खेचो भैया सुनियो ध्यान लगाए। और बोल रही मीठे बेना जादू को असर हटो खुल गए किशन लाल के।
नैना तुम्हें किशन लाल की आंख खुली जादू का असर हटा। किशन लाल देखता ना चाचा ना बाबा ना हाथी ना घोड़ा ना तम्बू ना डेरा ना भोजन ना पलटन ने। ढोल कुंवर भैया पास में सो रहा है, एक रथ है दो लड़की है, लेकिन एक बात है। कौन सी? छतरी के बालक की तो बोल में ही सितारे झड़ते हैं। किशन लाल ने कहा है लड़कियों कौन हो तुम? अरे तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या? काम क्या? कोला कबला किसने कहने कहते हैं कैसा ही छत्रीन की तो भाषा के मारे छत्रीन के कड़ाक बोल के मारे पसीना आ जाए। बहुत करंट को छोरा है, बहुत करंट को छोरा है। तो सुना नहीं तुम्हें मैंने क्या कहा है? तुम्हारा नाम क्या है? काम क्या है? मेरे बाबा ने तम्बू में सुबह मेरे से मन सुचा था पहले लग रहा था लाइक से कब लाइक एक लाइक लाइक एक लाइक क्यों अजी ने तसली तसली में मत रहा, इतनी गर्माई मत पकड़ो पसीना आ जाएंगे। छत्री तसली नहीं करते। अच्छा लड़की बोली क्या कहने लगी? लड़के हाँ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किशन लाल है। तो एक बात सुनोगे हमारी? कौन सी बात है? बड़े बड़े गढ़वा ढार तीरे किशन बड़े बड़े गढ़वा ढारे किसना मैंने बचपन तेरे नाम कोई दूसरो पटानो होए ना आहा जब बड़े रसीली बात बोलनी पड़े भीतर बबरती चली जाए। बड़े बड़े गढ़वा ढारे किसना मैंने बचपन तेरे नाम के बड़े बड़े बचपन ते ही तेरे नाम के और तुमको अपनो पति मांग लयो रे गुण गाये मैंने हरी राम के हामी भर ले ब्याह की रे किसना गुण ना भूलूंगी भर तार के हामी भरे ले ब्याह की रे किसना गुण ना भूलूंगी भर तार के हामी भरे ले ब्याह की रे किसना गुण ना भूलूंगी भर तार के। मैंने बड़े बड़े वरंत करे शंकर के गाए मंगल चार और तेरे नाम के गंगा में जो वो एक मोह मिले किशन लाल भरता किशन लाल बोला उल्लू की पट्टी बदमाश की बच्ची क्या नाम है तेरा? बोल की मेरा नाम साहब चंपा चंपा ये कही क्या जात है? तेली की लड़की हूं साहब। ये अरे तेरा खराब दिमाग हो गया क्यों? हम एक राजा के लड़के हैं और तू एक तेली की लड़की। अरे तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस रामायण के अंदर लिखा है कि होत विवाह संबंध सबई को अपनी जाति माही। अरे सबका विवाह संबंध अपनी अपनी जातियों में होता है। हम एक राजा के राजकुमार हैं आहा और तुम तेली की लड़की हो।
भाई तुम्हारा हमारा जाति का मेल नहीं है। अच्छा ये बात सुन ले, कौन सी बात है? लड़की क्या बोली है, क्या कहने लगी? बड़े दिनन से मुझे तेरा इंतजार था, तेरा मेरा पिछले जन्म का प्यार था। करना बच्चों का खेल नहीं, मैं राजा का तू तेली की छोरी, तेरा मेरा मेल नहीं। कभी देखी रेल नहीं, वो दीपक नहीं जल सकता जिस दिए में तेल नहीं। वो दीपक नहीं जल सकता जिस दिए में तेल नहीं। वो दीपक नहीं जल सकता जिस दिए में तेल नहीं। अरे तेरी भूल से छोरी मेरे इंतजार का, और तेरा हमेरा पिछले जन्म का प्यार का। संबंध है नहीं हो सकता, इसलिए तेरे मेरा विवाह होने का। और फिर एक बात सुन ले हमारी, कौन सी? अरे प्यार तेरे कैसे करूं संग में, अरे प्यार संग ना करूं मैं, क्यों सज के मेरी जाए रही है वारात। शादी करने के लिए। अच्छा देख ले आँख खोल के कंगना मेरे, बंद होए ब्याह को हाथ। देख ले आँख खोल के कंगना मेरी बारात सज के जा रही, फिर तेरे मेरे विवाह के। और जब ऐसे हाथ दिखाए और हाथ में भी शादी का कंगन बना हुआ है, ब्याह को सबसे बड़े नेक कौन सा हो लाला? हाथ को कंगन नहीं रहे। लड़की बोली काम बन गया। कैसे बन गो? शंकर भगवान की जय, काम तो हमारा बन गया। बिल्कुल बन गो। ब्याह को सबसे बड़ो नेक है, हाथ में शादी का कंगन बन जाता। और कंगन तुम बांध के आए हो फिर? एक बात बता लड़के, कौन सी? ये कंगन तेरे हाथ में किसने बांधा है? ये मैया ने बांधा। तेरी मैया ने? हाँ। वो क्या कह रही है लड़की, क्या कहने लगी? हो रे अरे कंगन है तेरी मैया पे आए होए बंधवा। क्या कहने? एक ढोला की उड़ान सुनिए। हाँ। अरे कंगन है तेरी मैया पे आए होए बंधवा। अरे बारे वरना अब तो चलूंगी तेरे संगना। शादी का कंगन बंधवाया आया, अब तो तेरा मेरा ब्याह होगा। अच्छा अरे एक बात बताऊं लड़के, कौन सी?
ओ सुन बरना रे, मैंने गड़वा तो ढारे तेरे नाम के, या मैंने गड़ुआ तो ढारे तेरे नाम के, सुन या मैंने गड़ुआ तो ढारे तेरे नाम के, हे रे मैंने गड़वा तो ढारे किसना तेरे नाम के, क्या बात, अरे मुए ले चलियो दुल्हना बनाए, ओ बारे रसिया अब तो चलूंगी तेरे संगना, घुनाए मैया पे आयो है पतो माए परे रसिया अब तो चलूंगी तेरे साथ, अब तो चलूंगी संग में तेरे, अब तो चलूंगी तेरे साथ, घुनाए मैया पे आयो है पतो माए परे रसिया अब तो चलूंगी तेरे, देखो अब देखिए अब वो लड़की क्या करती है, उसके पास तो जादू है ना, फिर सारे जाएगो कहां झटका जादू को मारूंगी, सारे जाएगो कहां झटका जादू को मारो, सारे जाएगो कहां झटका जादू को मारो, सारे ओ जाएगो कहां, सारे जाएगो कहां, सारे जाएगो कहां, सारे जाएगो कहां, सारे जाएगो कहां झटका जादू को मारो, सारे जाएगो तोता जब पिंजरे में आ जाता है तो उसका निकलना दुश्वार हो जाता है, बंगाले के जादू के देश में फंस जाना जादूगर के बीच में उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा तो तुम हमारे साथ में विवाह नहीं करोगे ना? अच्छा खड़ा हो जा सामने, खड़े हो तैयार, क्या बात, उस लड़की ने क्या किया है चमन भैया, क्या काम किया, सना को सो छोरा को बनाए दियो, अब कोई बनावे लगे कछुर ना बने तो तेरे रिश्ते से करनी को आ जा, हट पर ले गई सूती गल और पढ़ के मंत्र दियो तो छोरा को बनाए दियो, बैल बैल बनाए दियो, बनावे तो घोड़ा लगी पर बैल बन गो, बैल बना के जादू से जब रथ के पीछे को बांध दियो, आहा पर एक बात बताओ कौन सी, शेर के बच्चा पिंजरा में बंद कर दियो, आहा अगर पिंजरा के तोड़ न सकेगो तार न पकड़ के तो हला ही देगो, आधार कर देगो हला हला, वो किशन लाल बैल बना के पीछे को बांध दियो लेकिन छत्रापन थोड़ी चला जाएगा, ना जा सके भाई, रथ की पुच्छी में सींग चलाए औंधो कर दियो, और जब रथ औंधो भयो 8 साल को भैया ढोल कुमार जग गया है, और ढोल कुमार देखता चाचा ना बाबा ना हाथी ना घोड़ा ना तंबू ना डेरा ना फौज ना पलटन है कोई भी ना, अब रोए रहो है कैसे, बड़ी जादूगरनी के है, कैसे रो रो, मेरे कित गए मैया बाप कहां ले, क्या क्या करें जी हम, कित गए, हाँ कित गए मैया बाप, हाँ कहाँ ले आए, कहाँ कौन ले आए, वो तो कित गए मैया बाप कहाँ लेके आई, कित गए मैया बाप कहाँ लेके आई, ये कित गए मैया बाप कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई रे, कहाँ लेके आई रे, कहाँ लेके आई, मेरे मेरे कित गए मैया बाप कहाँ लेके आई, कित गए मैया ढोल कुमार अब चाचा ना बाबा ना हाथी ना घोड़ा ना तम्बू ना डेरा ना फौज ना पलटन ना किशन लाल भैया, अब 8 साल का लड़का है रोमन लगाओ, रोबाई गौर करम का, बड़ी लड़की बोली देख मेरा विवाह जिससे होगा जो मेरा पति बनेगा वो मैंने बैल बना लियो, गांव में जाके मारूंगा जादू वही छैला बना लूंगी पट्टा,
और 8 साल को छोरा सबरी गए रोम तो चले गो दुनिया हंसेगी तो फिर जादू मार के कछु बनाए ले याकूब गांव में देखी जाएगी। छोटी लड़की उसे छोटे राजकुमार ढोल कुमार को क्या बना रही है? क्या बना रही है? है? क्या बनाओ? पढ़ के मंत्र दियो बनाए दियो ढोला को तोता ढोल कुमार को तोता बनाए दियो तोता बनाए दियो पिंजरा लियो तोता पिंजरा में छिटकायो बाहर ते खिड़का लगायो जब रथ की खूंटी में टांग दियो पिंजरा और अब मैया बाप भैया नहीं दिखे याद थोड़ी चली गई बाकी ना पिंजरा की फरी न पकड़ के ऊपर चढ़ जाए कभी नीचे उतर आए चितर करे अब रोए रोए पिंजरा में रोएगा कैसे रोएगा जादूगर ने कह रही है लड़के है तोता क्यों रो रहा है रो क्यों रहा है क्यों रो रहा है क्यों रो रहा है क्यों रो रहा है रो क्यों रहा है रो क्यों रहा है रो क्यों रहा है क्यों रो रहा है क्यों रो रहा है क्यों रो रहा है तेरा पिंजरा पुराना है पुराना है पुराना है पुराना है पुराना है पिंजरा पुराना है बिल्कुल अरे तू ये नहीं जाता गर्दन से नीचे सब चीज पुरानी है वो कैसे पिंजरा पुराना है बिल्कुल पुराना है अरे तू रोवे मत ना तोता हे तू रोवे मत ना तोता क्यों अरे पिंजरा कल तोए मैं सोने को बनवाए दूंगी तोता मत घबरावे बनवा दूंगी एक बात और कह दी कौन सी कतरी बहुत करूंगी सेवा और खाइयो तोता तू बैठो 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 मेरा एक बात और कह दी क्या कहा सोने को पिंजरा बनवाऊं आहा जम चांदी को लट्ठा गड़वाऊं सोने को पिंजरा बनवाऊंगी पिंजरा के बीच में चांदी को लट्ठा गड़वाऊंगी जहां पे उतरी और चढ़ी हो और एक बात और सुन ले तोता कौन सी अरे कितने कितने दिन जिंदी रहूंगी आहा अरे तोता मैं तो कू तो दुख ना है दूंगी दंगी अरे तो मैं इकलर दोलर चौलर करके मेरी क्या बात है मेरी अंगिया में दो खाए ले तोता मत घबरा मैं पिंजरा सोने को बनवाए दंगी ये तोता मत घबरावे तोता मत घबरावे अरे हाँ तोता मत घबरावे अरे तोता मत घबो ना पिंजरा सोने को पीछे को बंद रहा है रथ में तोता पिंजरे में है दोनों लड़की रथ में बैठी आगे को बढ़ा दिया घोड़ा बुग्गी को आहा फिर 4 बजे 4 सुबह के जब क्या भयो भोर भयो चिड़िया चहचान नर्मदा
सब नर मुनि ज्ञानी होर भयो रव किरण पसारी जाग पड़े सब नर और नारी त्रि अन्य अपने चीर समारे मर्दन ने सिर की पाग समारी। चार बजे सिद्धोसी क्या हुआ एक लकड़हारो हाथ में रस्सी कुल्हाड़ी लेकर के सुबह 4 बजे अंधेरे अंधेरे में कहाँ जा रहा हूँ लकड़ी काटने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा फिर क्या हुआ तुम हरे भारत के कृष्ण कन्हैया आहा और देखो प्रातकाल स्मरण करना चाहिए परमात्मा का वो कैसे अजी भारत के कृष्ण कन्हैया और सबकी नाव लगई भारत में आजा मोहन सबकी नाव रथ के पीछे बैलमंत्र और रथ में तोतारा दोनों लड़की वाह भाई वाह ले जा रही तेरे रथ धीरे धीरे आए रहे ओरे रथ धीरे धीरे आए रहो पीछे बंधी रहो बहनो में रथ धीरे धीरे आए रहो पीछे बंधी रहो बहनो में गिरी रथो पीछे पीछे आए रहो पीछे बंधी रहो बहनो में लकड़ा रो जाने उन छोरी ने अच्छा लगना ना जानता हर आदमी जानता अपने काम की छोरी छारिन के चाल चलने बिल्कुल लगना ना जानो ये जादू करनी है जादू को काम करे ऐसे हाथ दिया रथ रोक दियो क्या बात है लगना रे कछु तो जवानी को नशा छोरिन में कछु जादू की अकड़ अच्छा और कछु पिन को भबका कछु छोरान की पकड़ तेवल काम है वो डबल तेवल क्या बात है अरे छोरियो मैं न्यू कह रहा हूँ तमते कब ते करन लगियो व्योपार भूको बैल धकेला खावे कब को धरो इनको रात अवदानो न्यार अरे मैं तो नहीं जाने को ना छोरियो तुम जादू चलाओ तुम तो कछ बैल बैल भी खरीदवे लग गई हो कछ व्योपार करने लग गई हो का मैं है और तोता खरीदवे लग गई हो का काकरिंगी ला लियो लेकिन एक बात बताऊं कौन सी बात अपनो काम देख लखनारे और तो क्यों परी गीत क्यों गावे मैं कह रही तो जैन गांव को बिरथाई गैल खोटी करवावे अरे मैं तू हमारे गांव को जाते तो कचनाए कह रही है नहीं तो पतो ना हम कहा कबाड़े न करे करे कहा करे ला लिये तुम वो ना अरे एक बात आए लोगो हाँ कौन सी बात है गरीब आदमी का दुनिया में कोई नहीं वो कैसे गरीब आदमी का तो हाँ मेरे भैया रे इस देश में होता है नेता का सम्मान लेकिन गरीब इंसान का मालिक है भगवान और तो इस देश में नेताओं का
का सम्मान के अलावा और बढ़कर किसी का सम्मान नहीं हो रहा। गरीब आदमी का तो भगवान मालिक है, लेकिन वो लग रहा है गरीब हो औदरादी हो, जा तू तुझे क्या लेना देना, कहां से बैल कहां से क्या है। ठीक है जा रहा हूं मैं तो। पर लकड़ारे के दिमाग में वो बात सेट हो चुकी थी कि बैल और तोता जो है ये खरीद के नहीं लाई है, ये किसी राजा के राजकुमार पे जादू डाल के लिए आई है। सजनो लकड़ारे को ध्यान में रखना, इस लकड़ारे से ही ये भेद खुलेगा। अच्छा यहाँ तो भिन्न खुलेगा। लकड़ारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला जाता है और दोनों लड़की अपने रथ को घोड़ा बुग्गे को लेकर के अपने हवेली पे महल पे आ जाती हैं। अच्छा और महल पे आकर के क्या काम किया? क्या काम किया? मंत्र दियो है बैल पे जो वही बनाई लियो छोरा, बैल के मंत्र दियो बैल पे वही बनाई लियो छोरा, बैल के मंत्र दियो बैल पे वही बनाई लियो छोरा। बल्ले 20 वर्ष को वही हाँ 20 वर्ष को किसना बेटा भरा राजकुमार को चोला, और तोता में जादू मार बना लियो बारो कुमार को ढोला, तोता में जादू मार बना लियो बारो कुमार को ढोला, तोता में जादू मार बना लियो बारो कुमार को ढोला। बैल को किशन लाल बनायो, तोता को ढोल कुमार बनायो, छोटी लड़की छोटे छोरा है ढोल कुमार लेके अपनी हवेली में जा रही है, और बड़ी बड़ी लड़की किशन लाल लेके अपनी हवेली में जा रही है। अच्छा अरे आज आए भारत तारा बजे गो बाजो, आज आए भारत तारा बजे गो बाजो, आज आए भारत तारा बजे गो बाजो, बजे गो बाजो, बजे गो बाजो, बजे गो भीतर जाए लगाई दई खिवरिया, भीतर जाए लगाई दई खिवरिया, भीतर जाए लगाई दई खिवरिया, सियज कर रही तैयार बजे गो महाजो, आज आए वाला तारा बजे गो महाजो, आज आए वाला तारा बजे गो महाजो, बजे गो महाजो, बजे गो महाजो, बजे गो महाजो, अपने महल में आ जाए वरतार बजे को बाजो, और छोटी छोरी वह ढोल कुमार अपने मकान में ले गई। और बहना मेरे बारे से वरतार, मेरे बारे से वरतार, कलम को गोद खिलाए लाऊंगी, खिलाए लाऊं जिंदगी मेरे
पहला मेरे बारे है तेरी भरना कलम झोला फुलाऊंगी नकक झुनझुनिया और जीजी मेरे छोटे से और बहना मेरे हलके से सरताज बलम पूरी गोद खिलाए ओ बहना मेरे पारे से वरदान बलम तू को दखिलाए लाऊंगी ओ कि मेरे पारे से वरदान बलम तू को दखिलाए लाऊंगी ओ कि मेरे पारे से वरदान बलम तू को दखिलाए लाऊंगी। तो ढोल कुमार वो लड़की ले गई और किशन लाल वो छोरी ले गई। अच्छा, अब वो जादू के देश में उस विद्या के शहर में फंस जाते हैं दोनों। बा भाई या आपकी बात को यहां छोड़िए मेरे श्रोताओं। अब मैं इसी में हमारा यह रूपचंद की भेंट ढोले की फिल्म देखने वाले सज्जनों अब आपके ध्यान को वहां लाते हैं। कहां? जहां बारात पड़ी हुई थी, तंबू तने हुए थे, हाथी घोड़ा बैठे थे, जो तंबू में से पलंग से दोनों लड़कों का हरण हो गया। अच्छा, और मन से गुजर तंबू के सामने तलवार पड़ी हुई है। सो रहा सुबह हो गया जब क्या हुआ बोर है भयो जब है गयो रे सका स्तंभू में लड़का सुवाए थे मंत्र पूजा पहरे तक खड़ा किया था। अब नल राजा ने आगे कदम बढ़ायो मन सुख भैया जाए तो मत मन सुख भैया जाए तो मत माया मन सुख भैया अपने मिन तुरकु वचन सुनायो अपने मिन तुरकु वचन सुनायो अपने मिन तुरकु वचन सुनायो हे मेरे पेठो है जाया और मेरे को तू पहरे पे भेजो अरे भैया तू सो गया मैंने तुझसे ये कहा था कि सारी रात पहरा लगाना ये विद्याधर होगा कि कोई बात ना पगड़ी पलटा यार और थोड़ी सी आंख लग गई जब बजे सुबह के चार मनसु गुजर बोलो मैं पतो ही ना भैया जान कब नींद आ गई कब सो गया और खूब नहीं मन रहा है कर रहा हूँ। चैनल बोला एक काम कर कौन सा चल सुबह हो गया है कोई बात नहीं सो लिया तो तंबू में जा
लड़का ने जगा, अच्छा जगा के नवा, फिर नवा के चंदन लगा, अच्छा देवी को जाप करवा, ठीक बात है। बाजे बजाओ, हाथी घोड़े में सजाओ, रथ सजवाओ, बेटा को रथ में बैठाओ और रण के बाजे ढोल बजने दो, बरात को आगे बढ़ाओ। ठीक बात है भैया, जा रहे हो हम संध्या करने के लिए जा रहे हैं। अच्छी बात है। लेकिन प्यारे दोस्तों, नल के लिए आवाज दी, कैसे और चल तो ये भैया जो कहा हमारे ले गए कर्म लपेट, और सब हमें ना है दोनों बेटा, अरे गए कौन पे बेटा जाने आ का नहीं है। हाँ कहाँ गए छोरा? पता ना भैया, देख लिए सब, बारात में देखो, देख लिए बारात में भी ना है, ढूंढ लिए, हाँ इधर भी इधर देखो, इधर भी इधर भी देख लिए, बारात से बाहर जंगल में देखो, ढूंढा है बहुत दो मील तक, धरती बराबर है, आकाश बिल्कुल साफ है, कोई तूफान कुछ भी ना, भूकंप नहीं तो भैया। लड़का कहाँ गए भाई? पता ही ना भैया, लड़का जान कहाँ गए। लाखा पंडित को बुलाओ। पंडित जी। हाँ महाराज। तुम्हारे ज्योतिष का गुणा भाग लगा के देखो हमारे लड़का कहाँ गए। अब इतने पढ़ाई ना पड़ी पंडित जी। महाराज मैं अपने ज्योतिष कला से ये बता सकता हूँ आपके लिए। कैसे? आपके लड़का कहाँ गए बताओ महाराज। बताओ दादा। शीश पे दोरी और उनकी कोई करके ले गयो, अरे मिला लई ये काऊ ने जोड़ी, मिला लई ये काऊ ने जोड़ी, फिर ये मिला लई ये काऊ ने जोड़ी, और दादा ने बात कहता है कि बेटान का कोई हरण करके लेगा, राजकुमारों को कोई चोरी करके लेगा, और कोई लड़की ने अपनी जोड़ी के लिए उनको सेट कर लिया है। अच्छा लड़की के जो करण सेट और खाने को। लेकिन एक बात बताइए दादा। कौन सी बात है? अरे फटो ना है तम वादा दा, टूटी ना है डोरी, अरे पंडित दीजो निक भेद बताए, रे कैसे है गई चोरी मेरी नाए समझ में आ। Yeah.
दादा तीजो बेटा बता कैसे हो गई चोरी मेरी नाए समाजा में आए रहे कैसे हो गई मेरी डूब जाएगी नैया रे मेरी डूब जाएगी हे रे चार दिन जाच पड़ेगी नरवर में इनकी रोए रोए मर जाए मैया ओ दादा इनकी रोए रोए मर जाए मैया धरने समा जाऊं तो मैं बैरन कजा शीस पहदोरी कैसे है गई चोरी मेरी नाय समझ नहीं आई कैसे है गई चोरी मेरी नाय समझ नहीं दो मैयन के दादा इनकी मान के एक एक ही बेटा है और के है अरे एक एक बेटा दो मैयन के जिनने बड़े दुखन ते जाए अरे कैसे सबर करेंगी वो मैया आले में सोई सूखे में सुवाए यहाँ के समय कुमार जी दादा है गए पूत पराए हो यारा कैसे सबर बंद है गो दादा बैरन कजारे शीश पहदोरी कैसे है गई चोरी मेरी नाई समझ में आए कैसे है गई चोरी मेरी नाई समझ में लेकिन मनसुख क्या बात है हम एक बात जानना चाहते हैं तेरे पर इतना बड़ा विश्वास भरोसा करके हमने तुझे बेटान के तंबू का पहरेदार किया लेकिन मनसुख तूने ये ना सोचा और हमने पहरे पे खड़े करने का तुझसे कहा था सारी रात जाते रहना और तू सो गया बेटान का चोरी हो गई मुझे पता ही नहीं लगा भैया मैं जान कब मेरी आंख मिच गई मैं चले गए राजकुमार
आओ तो मैं जाऊं रे समाए हे पैरन भट जाता अरे भट जाता रोती कोई मैं जाऊं रे समाए आ पैरन भट जाता रोती कोई मैं जाऊं रे समाए अरे पैरई गिर जा बदरा बदरा जाते अगा पड़ा का जाए मैंने तो तेरे ऊपर इतना बड़ा भरोसा किया विश्वास किया मैंने जानो रे बनी को और ये मनसुख मैंने तो तुझे बनी का शेर समझा था अरे मैंने जानो रे बनी को और बबरी शेर निकलो जंगल को शायरी तू जंगल को सारिया अरे मनसुख अरे मैंने जानो रे पंचन को ओ सिरदार निकरोए भेड़न को वारी मैंने जानो रे पंचन को ओ सिरदार निकरोए भेड़न को निकरोए भेड़न को ग्वारिया अरे मैंने जानो रे चंदन को अरे मैंने जानो रे तू चंदन को भैया पेड़ रे निकरोए सिंगरेला छोकेरा मैंने जानो रे चंदन को भैया पेड़ रे निकरोए सिंगरेला छोका ओ मैंने जानो रे चंदन को भैया पेड़ रे निकरोए मैंने जानो अरे चंदन को मनसुख पेड़ और तू निकरो सिंगरेला छोकरा अरे मैंने जानो रे तू पूरो अरे मैंने जानो रे तू पूरो सो तालाब निकरो छोटो सो पोखरा मैंने जाना था बनी का बबरी शेर तू निकरो जंगल को सियारिया और मैंने जानो हो पंचन को सरदार निकरो भेड़न को ग्वारिया मैंने जानो हो चंदन को मनसुख पेड़ निकरो सिंगरेला छोकरा और मैंने जाना था तू पूरा सा तालाब निकरो छोटो सो गोखरा बहुत बड़ा विश्वास मैंने तेरे ऊपर किया था तेरे विश्वास के ऊपर मैंने अपने बेटा सुने छोड़ दिए रे मनसुख आज मेरे बेटा को हरण हो गया डूब गई अकबर में नैया जात जांच पड़ेगी नरमर में इनकी रो रो के मर जाएंगे मैया वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं और यार तो क्या चीज है घर बार बदल जाते हैं आज मनसुख की किस्मत का बदलना देखो और पगड़ी पलटा यार का मचलना देखो लेकिन मनसुख ने जब ये बात कही कि तेरे पहरे में मेरा छोरा मेरे छोरा चुर गए जब तू नहीं सोता मनसुख ने कहा भैया ऐसी छोटी बात मत कहे भैया एक बात कहना चाहता हूं आपसे कौन सी हर इतनी बात सुनी भैया की हो
वाला पन की मेरी आरी के भैया दियो तेन दागो लगत और मेरे पहरे में तेरे छोरा चुर गए तेरे बेटा ने दऊंगो ढूंढवाए जब तक जिंदा मन सुख गुजर हो पगरी पलका नैनन नीर बहावो ना ईश्वर तेरी अपरम माया सबको चरित्र दिखा रहा आज यार मेरा ऊंच नीच बोला कैसा बखत ये बता रहा जे बेटा धरती में समाए गए ओके समाए गए तो धरती में ते दऊंगो खुदवाए जे बेटा अंबर में उड़ गए अंबर में ते दऊंगो ढूंढवाए जे बेटा ने काल खाए गए तो मुँह पे आने के ना जे बेटन की चोरी हो गई तीन लोक में छोड़ूंगा चले कतरनी बगावाज से प्रीत कहा आमी भर के नाच जाए और इन प्यारे नकी रीत कहा अब तगा किसी का सगा नहीं है ना माने कोई कर देखो जिसने जिससे तगा किया है उसके घर गुजर देखो तगा किया वसु गरीब ने वाली वहे बलंकारी घर के भैया तार फगाए दियो छीन लई बाकी नारी घर के मारे सो गरीब ने हो घर के मारे सो गरीब ने जा देखी पर्वत पर खड़ी वही पर्वत के बैठे बैठे मिले राम अपरम पारी इतनी बात सुनी मेरे भैया मेरे पेट ने ढूंढवाने का मन सुख रहा तो यू जरूर खाए चोरी हो गई बंगाले अब मेरे कुमार मिलेंगे ना बंगाले को जबर मामला यहां से लौट कोई ना आए जुलम गुजर गए पल लह पड़ गई बेटा और मेरे तुम नाए और दीपक बुझा दियो नरवर को दीपक बुझा दियो नरवर को सुखते रहो पूरो हो जाए करीनी पुत्री दोनों मैया अब नलियो रहो ये बतरा है पर तनी सुन ले जब मन सुख ने धक्का लगो करे जा जाए छोटे मोटे बात बड़े धीरे बेटा मन चुप कर देना और जब तक बेटा ढूंढ न लंगो वो कुछ न पड़ेगी ना रोने से पार पड़ेगी नहीं भैया बेटन को ले खोज लगाए हाथ पकड़ के बैठो कर लियो और छाती से लोए लगाए छाती से चिपका लियो भैया पीगल मत मन में घबराई जब ऐसे बोलो क्या बात है तो पर्दा खोलो हाँ घर समाए गए हफ्ती फाड़ दो खुदवा क्या बात है और चोरी हो गई रामचंद्र की ढूंढल गए वीर हनुमान पाताल लोक में पहुंच गए मकर ध्वज मिल गए बलवान निज बेटा को बांध खम्भ से देवी मंड में पहुंचे जाए वहां हनुमान दई देवी में अपने दीने चरण लगाए
फसल दे भी गई है धरण समाए और अपन के देवी हनुमान भी पंडा रहे भूख लगाए। और जैसे राम को हनुमत लाए फिर भी तिन्ने दंगो मिलाए। मत घबरावे नल भैया पर रोने से पार पड़ेगी ना। और छोड़ के खोज चले दो भैया अब बेटर ले खोज लगाए। और रोमत रोमत जा रहे दोनों पंचो सुनियो ध्यान लगाए। अम्बे कैसित में ये ढोला तुमको हरी राम रहो सुनाए। अरे नल और मनसुख दोनों जा रहे बेटन रहे ढूंढ नहीं जाए। हाथ पकड़ के नल को भैया मन से गुजर रहो ले जा है बेहड़ मन में दोनों आएंगे पंचो दूर जान लगाए। हर कर कर जो हद कुमार या पने लगी ना जनल मन में घबराए। जय जय गुर हो तेरो गुजर के ये पर गुजर है इतनी सुन लई जब मन सुकने भैया सुनियो ध्यान लगा है। रोमत रोमत जा रहे दोनों एक बार प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। बेहद बन जंगल में बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं नल और मनसुख। जब क्या बोल रहा है मनसुख क्या कहने लगा। अरे रोवे मत भैया अरे हरोवे मत भैया अज हरोवे मत भैया कुमार मिल जाएंगे। रोवे मत भैया कुमार मिल जाएंगे। रोवे मत भैया कुमार मिल जाएंगे। रोवे मत भैया कुल्हाड़ी लिए सामने से आ रहा है। कौन सा लकड़हारा सोचिए। अब मैं कैसे पर हमारे ढोला सुनने वाले सज्जनों आप सोचिए वो कौन सा लकड़हारा मिल गया। आहा। और याद ना आवे ना तो गोवर्धन में थाने के सामने लाला कैसे मारो पावे को बैठो मत पूछियो। अच्छा अरे वही लकड़हारा कौन सा जाने बैल और तोता रोमते देखे और जालन छोरीन ते पूछी नहीं कब दे तो तार बेलन को बोफार कर लग गई होगा। मैं तम तो बढ़िया छोरी वही लग रहा है जिसके दिमाग में ये बात थी कि जादूगर ने किसी के लड़का को बैल और तोता बना खिलाई। वही लग रहा है मिल जाता है सामने से आ रहा है। और क्या कह रहा है क्या कहने लगा। सीताराम 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 कहिए जय सीताराम के राम ताहि बिदरही। सीताराम 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 कहिए जय सीताराम के राम ताहि बिदरही। सीताराम 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 कहिए जाई विद राख राम ताही विद रहिए। जिस तरह से भगवान रखे वैसा ही रहना चाहिए। आहा। परमात्मा के बनाए हुए संसार में इंसान को अपनी चतुराई नहीं लगानी चाहिए। कैसे और ऐसा जब सामने आया। हाँ। सामने से नल और मनसुख है और इधर से आया है लकड़हारा तो हर इंसान का यह कायदा फर्ज मांगता है कोई किसी के इंसान जब इंसान के सामने आए प्राणी जब प्राणी के सामने आए मनुष्य जब मनुष्य के सामने आए जब तो परमात्मा के नाम का उच्चारण होना चाहिए। राम राम राधे श्याम सीताराम नमस्कार नमस्ते कुछ होना चाहिए। और बड़े लोग तो आजकल राम राम करते ही नहीं छोटे लोगों को ही करना पड़ता है।
क्यों? लगड़ा रे कह रहा है। क्या कहने लगा? रामो रामो हाय राम कहो भैया, राम राम हाय राम कहो भैया, राम ही है सारे जग के रचैया, राम 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 हाय राम कहो भैया, राम ही है सारे जग के रचैया। अरे भैया राम राम, राम राम भैया राम राम। मनसुख बोला लकड़हारे, हाँ महाराज, तुम्हारे हाथ में रस्सी और कुल्हाड़ी है, तुम लकड़ी काटने के लिए आए हैं? हाँ, यही गुजारे करते हैं लकड़ी काट करके। लेकिन एक बात बताओ लकड़हारे, कौन सी, क्या बात है, बोलो महाराज। लकड़हारे ने राजा नल से मनसुख से पूछा। क्या पूछा है? कठिन भूमि को मल तुम्हारे राजान कैसे वेश है? तुम्हारी वेशभूषा तो राजान किसी है, और तुम इस निर्जन वन में यह ककरीली डगर कांटों की रास्ता इस वन में ऐसे कैसे घूम रहे, आप कौन है ऐसे पूछ रहे हो है? अच्छा, जैसे राम लक्ष्मण सीता जी का हरण हो गया, राम लक्ष्मण वन में घूम रहे हैं, सीता जी को खोज रहे हैं, और सुग्रीव ने जहां वानरों की सेनाओं में महाराज सुग्रीव बैठे थे, सुग्रीव ने देखा कि ये दोनों राजकुमार पंपा सरोवर की तरफ आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, कैसा बाली ने मुझे मारने के लिए भेजे हो? हे हनुमान जी। जी महाराज। जाओ, कहा तुम इनका भेद लगा करके लाओ, ये कौन है, अपना भेद छिपा करके जाओ। अच्छी बात है महाराज, जय श्री राम। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान राम के पास पहुंचे, सिर झुका करके पूछा, कठिन भूम कोमल पदगामी कवन हेत बन बिचरे सो, ती क्या तुम तीन देव में कोई मेरे हृदय प्रीत ऐसे हो, या तो तुम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में से तो कोई नहीं, तुमको देख करके मेरे हृदय में बड़ी प्रीति बढ़ रही है, हनुमान जी पूछ रहे हैं राम से। लेकिन भगवान राम ने यहां जवाब दिया है, क्या जवाब? अमर इसी पर देखने वाले सजनों, इस चौपाई पे ध्यान दीजिए, जो चौपाई मैं बोल रहा हूं चौपाई मैंने नहीं लिखी, तो तुलसीदास जी ने लिखी है, लेकिन चौपाई के अर्थ कई है, आपको बता देता हूं। वो कैसे? राम ने क्या जवाब दिया? देवेंद्र भैया आपको भी ध्यान करना पड़ेगा, क्या जवाब? भगवान राम हनुमान जी को जवाब दे रहे हैं, कैसे? यहाँ हरी निशचर बैल, भगवान राम कह रहे हैं क्या, खोजत फिर रही विप्र हम ते भी रही बेप्र हम ते ही, यहाँ हरी निश्चर बैले, यहाँ हरी निश्चर बैले। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, यहाँ हरी निश्चर बैले ही, यहाँ यहाँ राक्षसों ने सीता जी का हरण कर लिया है, खोजत फिर ही विप्र हमते ही, ब्राह्मण देवता उसको खोज रहे हैं, लेकिन अर्थ गलत है,
यहाँ को कहा पंचवटी कह रहा हूँ। हाँ, राम कह रहे हैं यहाँ हरी और वो कह रहे हैं यहाँ हरी, और हरण हुआ पंचवटी पर। हाँ, लेकिन गलत नहीं है, सही है। ये सही कैसे? यहाँ माने ये जगह, हरी माने भगवान, निश्चर माने राक्षस, वैदेही माने सीता, यहाँ भगवान। आ, अच्छा, कह रहे यहाँ हरी, यहाँ भगवान, हरी माने भगवान। हाँ। यहाँ भगवान सीता जी राक्षस दोनों को ढूंढ रहे। ठीक, इसका और भी अर्थ है क्या? इसका एक अर्थ और भी हो सकता है। वो कैसे? यहाँ माने ये जगह, हरी माने बंदर, निश्चर माने राक्षस, वैदेही माने सीता जी। तो मैं यहाँ हनुमान जी, राक्षस और सीता जी तीनों की खोज कर रहा हूँ। अच्छा, भगवान कह रहे अपने मुखारविंद से। ठीक बात, एक अर्थ और भी है सर। और भी है। वो कैसे? यहाँ माने ये जगह, हरि माने भगवान, अब निश्चर चारों अक्षरों को एक जगह जोड़ देंगे। हाँ। तो राक्षस हो जाएगा। हाँ। और दोनों को दो दो अक्षर अलग करेंगे, निष्प्लश्चर। हाँ। तो निष् माने रात्रि, शर माने खाना, और रात्रि का भोजन कौन करता है? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण के पुत्र हैं बाली और सुग्रीव, मैं उनको भी खोज रहा हूँ। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। कैसे तुम्हें जगह छोड़ी है, नहीं तो 11 अर्थ करके बता दे। प्रभु पहचान परे रह चल उमा जाए नहीं भरना रामा सोच दे उमा। और भगवान को पहचान करके हनुमान जी चरणों में साक्षात दंडवत किए लेट गए। प्रभु पहचान परे गह चरना और सो सुख उमा जाए नहीं भरना। शंकर भगवान कहते हैं, उमा जी जब समय हनुमान जी भक्त और भगवान मिले, उस समय का आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। आज ये छोटा सा दृष्टांत रामायण का बीच में लगाया। आज ऐसे ही लकड़हारो राजा नल और मनसुख से पूछ रहा है। क्या पूछने लगा, क्या कहने लगा है? कि तुम कौन हो? आहा, मनसुख ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ये नल है नारा बारा पगरी नरेश, और मैं इनका पगड़ी पर तैयार हूँ मनसुख भैया। लकड़ार बोलो, भैया इस बेहड़ वन में आपका इस तरह से घूमना क्या बात है? अरे ढूंढत डोली रही है भैया, चुर गए हमारे बेटान का शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए संकल्प द्वीप देश को जा रहे थे। बंगाल की सीम पे हमने अपनी छावनी लगाई और अपनी बरात को रोक दिया, और आज रात में बैरन कजा शीश पे दौरी, और है गई हमारे दो छोरान की चोरी। हमारे दो छोरान को हरण आएगा, और जब ये कहेगा हमारे दो छोरान की चोरी हो गई, लकड़ारे के दिमाग में वो बात बैठ गई,
वो बात सेट है गई। हाँ, के जो बैल और तोता बना के लेगी वो जादूगरनी इन्हीं के लड़का हो सकते हैं। लगड़ार वाला भैया तितान चोरा ने तो बता दूंगा, डर लगे डर लगे। क्यों, क्या बात है, ऐसे क्यों हंगला? डर लगे क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ और जब तितान चोरा ने ले गई वो दिंगड़ी दिंगड़ी। क्यों दीगरी, कैसे, क्या बात है भाई, अच्छे बोल बता। अरे भाई हम गरीब आदमी है, गरीब और गरीब को दुनिया में कोई ना है भैया। क्यों गरीब को क्यों ना? अरे गरीब आदमी का इतना बड़ा बच्चा हो कोई, और गरीब आदमी को बच्चा बड़ा सुंदर है, मलूक है, लेकिन इतना ही तो दोष है भाई देवेंद्र, वो गरीब के घर में पैदा होगा, बच्चा तो सुंदर है मलूक, और किसी आदमी ने उसको गरीब के बच्चे को गोदी में ले लिया, और उस गरीब के बच्चे ने उस आदमी के ऊपर अगर पेशाब कर दिया तो वह हुआ फेंक उल्लू के पट्टा। आया सुंदर सी ये सब कपड़ा खराब करवाया, गरीब का बच्चा था इसलिए दूर फेंक दिया। और कोई पैसे वाले का, लठ वाले का, जूते वाले का बच्चा चाहे कितना ही बुरा हो, कोई राजनेता को बालक कैसे हो, चाहे जूता वाले को हो, चाहे पैसा वाले को हो, और इनके नेता के पैसा वाले इनके बच्चे होते भी बुरे ही हैं। इनके क्यों बुरे? इनको तो मिले ही ना टाइम, वो तो और ही दुनिया बनावे इनके बालक ने तो। अच्छा, तो बुरे बुरे ही पैदे होते हैं। और कई जूता वाले का, पैसे वाले का बच्चा गोदी में ले लिया और उस बच्चे ने ऊपर बाथरूम कर दिया, उसको नहीं फेंक सकते। अरे बात करना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चोचो कर दे, चोचो कर दे। क्या मेहरबानी किसकी है? मेहरबानी है जूता की, पैसा वाले, पैसे वालों का जूता होता है। तो लकड़ारे में करो भैया, मैं गरीब आदमी मुहे काई को मरवा बैठे, प्यारे चोरा ने तो मैं हाल बता दू कौन लेगो और कब लेगो और कैसे लेगो। अच्छा अच्छा, मन से गुजर बोला, एक बात सुन भाई लकड़ारे। कौन सी? चल तो हमारे बेटा ने बता, हम तेरा नाम ही ना लेंगे, जब तेरा नाम ही नहीं बताएंगे बस किसने हमें भेद बताया तो फिर तेरे ऊपर बात आएगी क्यों? बिल्कुल, मन से बोलो दुनिया आजकल को भैया ऐसा दस्तूर है, कैसे एक बार रो रो के पूछ ले फिर हंस हंस के उड़ा दे। अब नाम तुम ऐसे कैसे, या को मोह विश्वास कैसा है तुम मेरा नाम नहीं बताओगे? तू विश्वास कैसा है? मन से कह रहा है सुन, गंगा की खवाय ले सौगंध जमुना। नल के सिर पे यार मेरो हाथ धरो भाई ले ओ भैया, कह दे भेद तमाम लकड़हारे, कह दे भेद तमाम, अरे तेरो हम भूल न लेंगे ना। और तेरो नाम कतई न लेंगे, भेद बता दे भैया। कौन ले गए और ये सी विद्या के शहर में जाएंगे और ये कुमार से मित्रता करेंगे, कुमार की लड़की उन जाति करनियों की सहेली होती है। अच्छा, और उसको अपनी बेटी बनाएंगे धर्म की, और वह इनका भेद बताएगी, और फिर ये दोनों बंगाली की काली देवी पे जाएंगे, और काली देवी के यहाँ काली देवी वंश गुजर से कहेगी कि मनसुख, अगर तू सच्चा यार है और यार के बेटे चाहता है तो जा, तेरी कसम है रघुजी की गोदी में एक छह महीने का रूपचंद बेटा है, उस रूपचंद को ले आ और उसके शीश को काट के मेरे भेंट चढ़ा दे। और मनसुख अपने बेटे की भेंट चढ़ाएगा ला करके देवी के मन में, और फिर देवी उस बेटे को जिंदा करेगी। ये अगले खंड में आप लोग सुनेंगे, और हमने आपको ये रूपचंद की भेंट का पहला दो कैस्टों में आपकी सेवा में ढोला पेश किया है। लोगों, अब मैं बिछड़ी पर हमारे ढोला फिल्म देखने वाले सजनों,
एक बात हम कहना चाहते हैं आप लोगों से, वो क्या है? जो हमारे नल पुराण इतिहास की जान है, उसके सारे मैदान प्रोग्राम, उसके सारे हिस्से किस्से अब अमर कैसिन के द्वारा आपके चरणों में आपकी सेवा के लिए भेज रहे हैं। हमारी कैस्टों का विकल्प कहता भाई लाला कैसिन गोवर्धन थाने के सामने आपके हरिराम भैया को आपका आशीर्वाद चाहिए। धीरे धीरे कथा आगे बढ़ रही है, धीरे 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 कथा आगे बढ़ रही है, धीरे 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 कथा आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे। एक काम करो, क्या तुमने गंगा की कसम उठाई? आहा, गंगा की सौगंध ली। हमारे हिंदू धर्म में गंगा बड़ी चीज होती है। मुझे विश्वास आ गया कि तुम मेरा नाम नहीं लोगे। तो फिर भैया गौर से सुनो, मैं तुम्हें भेद बताता हूं, तुम्हारे लड़के कहां गए? सामने देखिए, ये जो गांव सामने बसा हुआ है, फिर बसरों गांव को दिख रहा भाई? ये हमारा गांव है। फिर इसमें क्या बात है? धर के ध्यान सुनो मेरे भैया, या बीच गांव में बसी रहे हो तेरी, बीच गांव में बस रहो तेरी, बीच गांव में बस रहो, ओ बीच गांव में बस रहो तेरी, बीच गांव में बस रहो। सुनो मेरे भैया, बीच गांव में बस रहो तेरी। ये जो गांव है हमारो, यहाँ में बीच गांव में तेली रहे। हाँ पूछता छकी, अरे ना है जरूरत वाकी, सबसे ऊंची बनी है हवेली, सबसे ऊंची बनी हवेली, सबसे ऊंची बनी, ओ सबसे ऊंची बनी हवेली, सबसे ऊंची बनी हवेली। की पूछताछ की जरूरत नहीं है, वह सबसे ऊंची हवेली वाई की है। और वाई तेली के बहादुर बेटे, क्या बात? और वाई तेली के दो लड़की हैं, दोनों सुता बड़ी अलवेली, दोनों सुता बड़ी अलवेली, दोनों सुता बड़ी अलवेली, दोनों सुता बड़ी अलवेली, दोनों सुता बड़ी अलवेली। एक लड़की चीनी है, एक छोरी चीनी की सी बोरी, एक मेरठ की सी गुड़ की भेली, जिनको चंपा चंदन नाम है वही ले गई है तिहारे छोरान ने। पर तुम अगर सूदे तेली की हवेली पे चले गए ना, तो मामलो खराब हो जाएगा, कई बैयरवानी के हाथ पड़ जाओगे, कोई बकरा मेंढा बना के बांधे को पौरी में जिंदगी भर दूध देते रहोगे, तो क्या करेंगे? तो मन से बोलो क्या करें? तो एक काम करो। कौन सा काम? या गांव में घुसते ही एक कुम्हार को घर पड़ेगा, प्रजापत को घर पड़ेगा, चले जाओ या बस्ती में इतनी खेन नी भैयो, सबरो भेद आराम मिले गो, पर जा पत तू यार बनियो, गए हुए सैकारों
पतकू यार बना में हरी राम कह अलावड़ी मारो भैया दिल की मिट गई है बहन और जाओ भवानी ऊंचे मंदिर वाली सबरी जहन धरो सरदारी सुनते ही फट जाए वो गेट अगले ढोला में मनुष्य का चढ़ा दे वो अपने बेटा की के ढोला की राम राम ले ली जाओ भैया हमारी आज के ढोला की राम राम ले ली जाओ भैया हमारी आज के ढोला की राम राम